ऐसे थोड़े काम चलेगा, खेलो इंडिया है, भारत माता की। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय खेल मंत्री जी को। अब खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में होगा और पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया देखे ऐसा आयोजन करने का हम प्रयास करेंगे। देश के दिल में आपका स्वागत। और खेलों का यह आयोजन भी हम अनुराग जी दिल से करेंगे। वैसे भी भारत की परंपरा है अतिथि देवो भवा, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अपने खिलाड़ियों को जान से ज्यादा संभाल के रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को प्रणाम सचमुच में। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो देश के मानस को बदल के रख दिया है हर एक क्षेत्र में। मैं वो दिन भी जानता था जब हमारे देश में वातावरण ऐसा था कि लोग मजाक में कहते थे कि ये तो इंडिया है, यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया, ये भारत है, ये सब कुछ कर सकता है, हर क्षेत्र में कर सकता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज ये कहते हुए गर्व होता है, आज दुनिया भारत को अनदेखा नहीं कर सकती, बल्कि कई मामलों में मोदी जी दुनिया का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा समय भी आएगा कभी भारतीयों ने सोचा था क्या? रूस और यूक्रेन में युद्ध हो और भारत के बच्चे तिरंगा लेके निकल जाएं तो दोनों सेना कहते जाने दो, ये भारत वाले हैं, युद्ध विराम। सचमुच में ये गौरवशाली भारत है, वैभवशाली भारत है। और केवल एक पक्ष नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि खेल भी तो जिंदगी का अभिन्न अंग है। देखो दुनिया में क्या क्या ले गए, वेद ले गए, उपनिषद ले गए, गीता का ज्ञान ले गए, योगा ले गए, और अब खेलों में भी हिंदुस्तान धूम मचा रहा है, हमारा देश धूम मचा रहा है। खेलो इंडिया जैसी कोई कल्पना कभी किसी ने किया क्या? गांव गांव में खेल संस्कृति का विकास हो। हमने तो वो दौर देखा कि अगर कोई बच्चा खेलता था तो माता पिता मम्मी पापा शाम को मारते भी थे, पापा कहां जा रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, चल पढ़ाई करके बन। लेकिन जैसा अनुराग जी बता रहे थे, अब हर मां बाप चाहता है कि उसके बेटा बेटी भी खेलें, खेलों में भी आगे बढ़े। अब गांव गांव खेल रहा है, हर शहर खेल रहा है, खेलों में भारत चमत्कार कर रहा है। हमने मध्य प्रदेश में भी इसलिए प्रयास किए। यशोधरा जी बता रही थी कि पहले तो 3-4 करोड़ रुपए का बजट होता था, वो सैलरी फैलरी में चला जाता था छोटी मोटी, लेकिन अधोसंरचना का विकास। अब हमारी 11 अकादमी है, 18 खेलों के लिए मध्य प्रदेश, और हमारे अकादमी के बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। मलखम का प्रदर्शन यहां देखा, अनुराग जी बोल रहे थे, चमत्कार से कम नहीं है। और ब्रेक डांस का तो यशोधरा जी मैंने सोचा ही नहीं था, अब ये भी ओलंपिक में शामिल है। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्य प्रदेश में बनाने की हमने कोशिश की, और इंफ्रा भी ऐसा, कभी आप शूटिंग अकादमी आप
आके देखिए हमारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने बनाने का प्रयास किया है। अपने खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं अकादमी में भी मिले, लेकिन हर जिले में मिले, इसलिए खेलों के स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, कोचिंग की व्यवस्था, प्रशिक्षण केंद्र 171 हमारे चल रहे हैं, बाकी और बन हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, खेल भी जब हम खेलते हैं तो हर स्तर पे, ग्राम पंचायत की प्रतियोगिताएं अलग होती, गांव में भी खेलो। अच्छा, एक बात और बताऊं अनुराग जी, हम केवल बच्चों को नहीं खिलाते, हम मकर संक्रांति के अवसर पे एक ऐसा आयोजन करते 15-20 दिन लगातार के दादा दादी भी खेलो, दौड़ो, नाना नानी भी दौड़ो, सास बहू भी दौड़ो। हम बच्चों को नहीं, बूढ़ों को भी दौड़वाते प्रतियोगिता। देखो, जिंदगी सचमुच में खेल ही तो है, अगर ढंग से खेल ले तो जिंदगी आनंद से परिपूर्ण हो जाए, भर जाए। जब हमने पहली बार ये बुजुर्गों की प्रतियोगिता की तो उन्होंने कहा कई दिनों के बाद मुस्कुराए, खिलखिला के हंसते हैं, दौड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, उनकी जिंदगी में अलग रंग भर जाता है। इसलिए बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब दौड़ रहे हैं, सब खेल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश दिवस हमारा 1 नवंबर को है, हमारे 3 से लेकर 7 नवंबर तक गांव गांव में खेल प्रतियोगिताएं हो रही, फिर से गांव में भी कॉम्पिटिशन होता है कौन जीत रहा है। तो गांव में, शहरों में, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य के स्तर पे हर प्रयास हमने किए। पहले एक जमाना था जब मध्य प्रदेश का नाम नेशनल गेम्स में भी ढूंढे नहीं मिलता था, लेकिन अब हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार हम 66 मेडल नेशनल गेम्स में हमारे खिलाड़ी जीत के लाए हैं और मलखम में तो ओवरऑल चैंपियन है। हम लगातार प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं खेलों में, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और अपना देश भी आगे बढ़े। अब हॉकी की टीम चाहे पुरुष की हो चाहे बेटियों की हो, बेटे बेटियों की, मध्य प्रदेश के बिना नहीं बन पाती, हमारे अकादमी के बच्चे रहते ही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मेडल जीतने के खेलों में कोशिश हम कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने, आपने अनुराग जी, पौराणिक जी, जो हमें अवसर दिया है खेलो इंडिया आयोजित करने का, वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। पौराणिक जी ने तो कविता भी सुना दी मध्य प्रदेश में, अद्भुत प्रदेश है मध्य प्रदेश, वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, पुरा संपदा, टूरिज्म की अपार संभावनाएं, सांची, भीमबेटका, खजुराहो, ओरछा के मंदिर, महाकाल महाराज का लोक, हम टाइगर स्टेट, हम लेपर्ड स्टेट और अब तो हम चीता स्टेट भी बन गए। प्रधानमंत्री जी सौगात देके आए, चीता भी दूसरे महाद्वीप से आए और सुरक्षित है, और टाइगर स्टेट भी ऐसा कि कई बार अगर आप हमारे नेशनल पार्क में चले जाओ जाओ तो टाइगर से हैंडशेक करने का मौका भी मिल सकता है। राजधानी भोपाल में टाइगर नहा रहे, वाइल्ड लाइफ देखिए मध्य प्रदेश की, और खेल भी एक जगह नहीं कर रहे हैं, खेलो इंडिया एक जगह नहीं हो रहा। अगर देश के स्वच्छतम शहर एक बार नहीं छठवीं बार छक्का लगाने वाले इंदौर में हो रहा है तो स्वच्छतम राजधानी भोपाल में भी हो रहा है। एक तरफ श्री महाकाल लोक के उज्जैन में भी आयोजन होगा तो दूसरी तरफ ग्वालियर में और जबलपुर में भी आयोजन होगा, खरगोन में भी आयोजन होगा तो मंडला और बालाघाट में भी आयोजन होगा,
और एक तो दिल्ली में भी करेंगे। हमने स्प्रेड किया अलग अलग, जैसा खेल मंत्रालय की मंशा थी, एक जगह नहीं, अलग अलग मध्य प्रदेश के हिस्सों में खेल के साथ साथ खिलाड़ी पर्यटन का भी आनंद लेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, वैसा तो अपना देश ही बहुत अच्छा है, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मध्य प्रदेश भी अद्भुत है सचमुच, वहां कभी यह नहीं होता कि ये पूरब का है कि पश्चिम का है, उत्तर का है कि दक्षिण का है। मध्य प्रदेश तो मध्य में है, जो आता है मध्य प्रदेश के दिल में समा जाता है, जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाती है, वैसे मध्य प्रदेश में आने वाला मध्य प्रदेशी ही हो जाता है। उसी प्रेम और स्नेह के भाव से हम प्रधानमंत्री जी का जो महाभियान है, संकल्प है, और जो दायित्व आपने दिया है मध्य प्रदेश को, इस आयोजन को करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर, स्वागत सभी खिलाड़ियों का। अभी आप 6000 से ज्यादा बता रहे थे, अभी पंचकूला में 8500, तो मध्य प्रदेश में तो 10000 को क्रॉस करके भेजिए, आप भेजते जाइए खिलाड़ी। स्वागत खिलाड़ियों का, स्वागत प्रशिक्षकों का, कोच हो, आयोजन से जुड़े बाकी लोगों, स्वागत प्रधानमंत्री जी का, स्वागत आपका, खेल मंत्रालय का। हमारी कोशिश होगी कि जो विश्वास मध्य प्रदेश पे आपने किया है, हम उस विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे और ऐसा आयोजन हो कि आपके मन में भी संतोष हो कि मध्य प्रदेश ने दिए गए दायित्व को बेहतर ढंग से पूरा करने का प्रयास किया है। एक बार मैं फिर प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश पर विश्वास करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास होगा। और अनुराग जी, निशीत जी और खेल मंत्रालय को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।